जय हिंद सभी भाइयों को। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे आप लोग। और आज हम बात करेंगे बेसिकली आईपीसी इंडियन पिनल कोड की। इंडियन पिनल कोड का इंट्रोडक्शन जानेंगे, इंडियन पिनल कोड के बारे में जानेंगे, ठीक है। यानी टेंशन लेके बिल्कुल नहीं पढ़ना है, बिल्कुल फ्रैंक होकर पढ़ना है, एकदम टेंशन फ्री दिमाग लेके, एकदम सिंपल वे में आज हम लोग जानकारी लेंगे एक एक चीज़ का, ठीक है। कोई भी तरीके का टेंशन नहीं, एकदम सिंपल में समझो। यानी आज हम बेसिक की बात करेंगे। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, यानी एक लॉ स्टूडेंट है जो अभी लॉ में घुसा ही है, उसको लॉ की कोई जानकारी नहीं है, वो ना तो वो अधिवक्ता है ना वो वकील है, मतलब अधिवक्ता वकील एक ही चीज़ हो गया, वो कुछ भी नहीं है, वो लॉ में घुस रहा है, पहला कदम अपना उठा के रख रहा है। अब उसके सामने जो समस्या आती है, वो सारी समस्या कहाँ दूर होगी, इस वीडियो में दूर हो जाएगी। यानी आईपीसी का इंट्रोडक्शन समझ लो है क्या चीज़। अब मान लीजिए जो एक नया स्टूडेंट होता है, जो अभी घूम ही रहा है, सिर्फ पहला कदम लॉ में रख रहा है, उसको इतना पता है कि मर्डर क्या होता है। मर्डर यानी हत्या, किसी को हत्या कर दी, अब होगी क्या, जेल होगी। यानी मर्डर कर दिया, हत्या कर दी, अब जेल होगी। तो जब जेल होगी तो उसके ऊपर एक सेक्शन लगेगा। उस सेक्शन की मान लीजिए उसने जानकारी ली, उसने जो है गूगल खोला, मोबाइल में देखा, कहीं से जानकारी ली। अब उसने सेक्शन देख लिया कि मर्डर का जो सेक्शन होता है वो क्या है, 302, यानी 302 में मर्डर दिया हुआ है। उसको पता लग गया कि 302 में मर्डर दिया हुआ है, यानी 302 मर्डर के लिए लगता है। उसको सिर्फ इतना पता चल गया 302 जो धारा है, जो सेक्शन है, वो मर्डर के लिए है। अब मान लीजिए उसके पापा एडवोकेट हैं, उसके पापा के लॉकर में या फिर जो भी जगह है वहाँ पे सारी किताबें रखी हुई हैं। अब वो जाएगा, उसने एक किताब उठा ली, मान लीजिए उसने सीपीसी की किताब उठा ली, सीआरपीसी की किताब उठा ली, या किसी अलग चीज़ की किताब उठा ली। अब उसमें वो सेक्शन खोलने लगा, अब उसमें उस सेक्शन पर पहुँचा, मान लीजिए उसने सीआरपीसी उठा ली, अब वो सेक्शन खोलेगा, उसमें खोजने लगेगा कि अरे 302 खोलते हैं, 302 खोलेगा, वहाँ पे देखेगा अरे इसमें 302 में तो कुछ और ही दिया हुआ है, और 302 जो मैंने उस पर सर्च किया तो उस पर मर्डर का आ गया। यानी अब वो कंफ्यूज हो जाएगा, ये इसमें 302 में कुछ और दिया है। अब वो सीपीसी खोलेगा, उसमें 302 में कुछ और मिल जाएगा उसको, आईपीसी देखेगा, उसमें 302 में मर्डर मिल जाएगा, कुछ और मिल जाएगा, अब वो टोटली कंफ्यूज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो चीज़ होती है एकदम क्लियर ये है कि हर चीज़ का प्रोसीजर मेरे भाई अलग होता है। यानी उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए वीडियो है जो अभी लॉ में पहला कदम रख रहे हैं, बाकी जो प्रो प्लेयर लोग हैं ना, वो वीडियो छोड़ के मत भागो, क्योंकि आगे आप लोग के लिए अच्छी अच्छी वीडियो आती रही, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। जो बेसिकली देखो, मान लीजिए 302 है, वो मर्डर के लिए ही है, आईपीसी का 302 मर्डर के लिए है। सीआरपीसी में जाओगे अलग हो जाएगा, सीपीसी में जाओगे अलग मिल जाएगा। यानी हर चीज़ का एक एक प्रोसीजर होता है। आप ये जान लो कि आईपीसी किस लिए बनती है। गैंग ऑफ वासेपुर आप में से बहुत सारे लोगों ने देख रखी होगी, गैंग ऑफ वासेपुर। मान लो गैंग ऑफ वासेपुर नहीं देखी, मिर्ज़ापुर तो चलो देखी ही देखी है, अब मिर्ज़ापुर भी नहीं देखी, एकदम सीधे भक्त हो, देखते ही नहीं मोबाइल, सीआईडी तो देख रखा है सभी ने। अब इसमें जो क्राइम होता है, यानी कोई भी क्राइम कर दिया, पता लगा किसी का मूरी फोड़ दिया, किसी का दांत तोड़ दिया, अब कुछ भी करोगे, यानी किडनैपिंग जानते ही हो, अपहरण हो गया, किसी को किडनैप कर लिया, या फिर मान लीजिए किसी को मार दिया, तो कोई भी क्राइम करोगे, यानी आपका किया हुआ क्राइम ही क्या बन जाएगा, आईपीसी बन जाएगा। कोई भी तरीके का क्राइम करोगे उसमें जो सेक्शन लगेगा, जो भी सेक्शन लगेगा वो आईपीसी का सेक्शन लगेगा। यानी क्राइम की परिभाषा, क्राइम की डिफिनीशन ही क्या है, आईपीसी। समझ लो आईपीसी को आप कह सकते हो, कोई भी क्राइम करोगे, किसी भी तरीके का क्राइम हो गया, अपराध हो गया, वहां पर आईपीसी का सेक्शन लग जाएगा। अब आईपीसी का सेक्शन लग गया, अब मान लीजिए कोई चोरी करके आ रहा है, अब उसको चोरी करते हुए पता लग गया किसी पुलिस वाले को कि ये चोरी कर रहा है, किसी ने उसके खिलाफ जो FIR लिखवा दी, अब वहाँ पे पुलिस वाले क्या करेंगे, आईपीसी जो भी चोरी का सेक्शन है आईपीसी का सेक्शन वहाँ पे लगाएंगे, ना कि किसी और चीज़ का सेक्शन लगाएंगे। यानी आईपीसी का सेक्शन लगा के उसकी अरेस्टिंग वगैरह कर लेंगे, उसको गिरफ्तार कर लेंगे। अब वो कहाँ जाएगा, कोर्ट ही तो जाएगा ना, अब उसके ऊपर मुकदमा चलेगा, यानी FIR दर्ज होगी, आगे मुकदमा चलेगा। तो अब मुकदमा वो कोर्ट जाएगा, अब कोर्ट की क्या प्रक्रिया चलेगी, कोर्ट में किस तरीके से क्या चीज़ें होंगी, वहाँ पर सीआरपीसी चलेगा, सीआरपीसी चलेगा, यानी वहाँ पे सीआरपीसी के जो है सेक्शंस देखे जाएंगे कि FIR किस तरीके से दर्ज हुई, चार्जशीट कहाँ है, चार्जशीट में क्या होता है, या फिर बेल किस सेक्शन में मिलेगी, अब जो है जमानत पे कैसे छोड़ा जाएगा। तो हर चीज़ का जो प्रोसीजर उसमें चलता रहेगा, यानी प्रोसीजर आ जाता है यहाँ पे कि अब तुम्हारे साथ जो जो प्रोसेस होगा, तुम्हारा मेडिकल हुआ नहीं हुआ, तुमको 24 घंटे जेल मतलब थाने पे रखा गया, पुलिस कब लेके आई, हर एक चीज़, अब प्रोसीजर जो जो कुछ चलेगा तुम्हारे साथ कोर्ट में, जो जो कुछ होगा वो सीआरपीसी में मिल जाएगा, यानी सीआरपीसी में मिलेगा। और सीपीसी क्या होता है, दो तरीके के केस होते हैं, मैंने पहले भी वीडियो में बता रखा है, वहाँ जाके देख सकते हो। सीपीसी मतलब फौजदारी और दीवानी, यानी फौजदारी और दीवानी दो तरीके के केस होते हैं, यानी सीपीसी और सीआरपीसी में जो फ़र्क होता है
मान लीजिए कि कोई भी पैसे से रिलेटेड विवाद है, या मुर्दा गाड़ने की बात है, जमीन का विवाद है, या फिर मकान मालिक से रूम आपने ले रखा है, यानी पैसे से संबंधित कोई भी विवाद हो जाता है जहाँ पे आप किसी को जेल नहीं भिजवा सकते हो। आप क्लेम करते हो कि मेरा इसने नुकसान किया है, मुझे इससे पैसा चाहिए, किसी ने आपकी ज़मीन ले ली, तो इसमें जो दीवानी मामला दर्ज होता है, सिविल मामला दर्ज होता है। तो सिविल सीबीसी में मिलता है, सीबीसी में मिलता है, और किसी को मार दे रहे हो, कोई भी अपराध कर रहे हो, चोरी, डकैती, हत्या, लूट, कोई भी चीज़ हो गई, मतलब जैसे कि हत्या कर दी, हत्या का प्रण कर दिया, किसी का दांत तोड़ दिया, मुंह फोड़ दिया, लड़ाई झगड़ा कर लिया, तो सब कुछ सीआरपीसी में आ जाएगा, यानी क्रिमिनल प्रोसीजर में आ जाएगा। और अब क्रिमिनल प्रोसीजर ये हो गया, यानी कोई भी जो है ये सब क्रिमिनल मामला चलेगा। यानी दो मामले होते हैं देखो, दीवानी होता है, फौजदारी मामला होता है। यानी फौजदारी अपराध का मामला हो गया, लड़ाई झगड़े का, कोई भी तरीके का क्राइम सीआरपीसी में मिल जाएगा, यानी फौजदारी में मिल जाएगा। किसी भी तरीके का जो है आप पैसे से रिलेटेड आपका जो विवाद है वो दीवानी में मिल जाएगा। यानी आपके अपराध की परिभाषा आईपीसी है, और आईपीसी के सेक्शंस में किस सेक्शन में क्या है, शुरू से लेके आखिरी तक के एक एक सेक्शंस जो भी हैं, 302, 307, 308, 326, 325, किस में जो है मतलब कौन सा अपराध होता है, किस अपराध में, जैसे हत्या का 302 है, हत्या की कोशिश का 307 है, ऐसे ऐसे सेक्शंस आगे आगे, 325 में हड्डी टूट गई, 326 में खतरनाक हथियारों से मार दिया, 324 में मारपीट कर ली, तो 376 रेप का हो गया। तो ऐसे जो भी सेक्शंस है वो मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा, आईपीसी के सेक्शंस में कौन सा क्या अपराध है। मैं ये क्लियर कर रहा था, इंट्रो दे रहा था आपको आईपीसी का, यानी आईपीसी क्या है। कोई भी क्राइम करके जाओगे तो इंडियन पीनल कोड 1860 का सेक्शन आपके ऊपर लगेगा, यही होता है आईपीसी। और कोई भी कंफ्यूजन नहीं लेना है, एकदम टेंशन फ्री रहो। तब तक के लिए भाई का चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। आगे की वीडियो में मिलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।